तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं आज का जो हमारा लेक्चर है इसके कंटेंट्स हैं जीरोग्राफी एंड इंक जेट प्रिंटर तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं सबसे पहले जीरोग्राफी से जीरोग्राफी इट इज आल्सो कॉल्ड द फोटो तो अब हम जीरोग्राफी को सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज द कॉपियंग प्रोसेस इज कॉल्ड जीरोग्राफी जो पेज आजकल आप फोटो कॉपी करवाते हैं यही जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को एक्चुअली जीरोग्राफी कहते हैं इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीरो द ग्राफिस दीरोज मीन ड्राई एंड द ग्राफिस मीन राइटिंग सो इट मीन ड्राई राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द कॉपिय प्रोसेस कॉल्ड जीरोग्राफी and it means that it is the dryer writing it is actually one of the applications of the electrostatics that's why we are going to study this in the chapter of electrostatics now we move towards this principle its working principle is that unlike charges attract each other we are going to explain its construction for and now look at its schematic diagram अब यहाँ पर आप जरा गौर करें बच्चे कि जीरोग्राफी के जीरो कुछ पार्ट्स हैं ये देखें आप यहाँ पे इसका लैंप आ रहा है ये लैंप से लाइट आ रही है और ये जो पेज है इस पेज के ऊपर फॉल कर रही है जिसको अपने कॉपी करना है और ये पेज फेस डाउन होता है यानी उस स्क्रीन के ऊपर पड़ा हुआ है जहां पर ये लाइट आकर पड़ रही है और जिस साइड को कॉपी करना है वो साइड उस लाइट पोर्शन के बिल्कुल सामने है अब जब यहां से लाइट आ रही है तो ये लाइट आकर रिफ्लेक्ट होकर उस पेज से रिफ्लेक्शन के बाद लेंस के ऊपर फॉल करती है अब ये जो लेंस है ये लेंस इस लाइट को ड्रम के ऊपर डायरेक्ट कर देता है ये ड्रम है जो कि इसका मेन पार्ट है यह हम वर्किंग में पढ़ते हैं कि कैसे काम करता है उसके बाद यहां पर है टोनर ये जो टोनर है इसके अंदर ब्लैक इंक मौजूद होती है जो कि पेपर के ऊपर स्प्रे की जाती है और वो कौन सा पेपर जिसके ऊपर आपने इमेज बनाना है ये पेपर जिसके ऊपर इमेज बनेगा ड्रम की वजह से ये फिर हीटेड रोलर्स में से पास करता है और फाइनली हमारे पास फोटोकॉपी होके आ जाता है तो ये तो इसकी डायग्राम है अब हम देखते हैं कि मेन पार्ट्स हैं क्या तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी द फर्स्ट मेन पार्ट इज इट्स ड्रम ड्रम द द मेन पार्ट ऑफ 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 इज मेड अप कोटेड विद लेयर इट्सियम तो ये जो ड्रम है इसके ऊपर ये बना हुआ तो एल्यूमिनियम का लेकिन इसके ऊपर सिलीनियम की एक लेयर मौजूद है अब सिलीनियम फोटो कंडक्टर है ये मैं आपको आके इसकी वर्किंग में बताता हूँ कि सिलीनियम का क्या काम है यहाँ पर उसके बाद लैम्प जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटो कंडक्टिव एटम ये लैंप है जिससे लाइट रेज आती है और ये आकर पेज पे फॉल करती है और इस पेज से ये वापस रिफ्लेक्ट होकर लेंस से पास करते हुए ड्रम पे आती हैं जहाँ पर एक्चुअली इमेज बनता है अब कैसे बनता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद नेक्सिस की वर्किंग में एक्सप्लेन करता हूँ वन नेक्स्ट पार्ट है अ लेंस टू फोकस द इमेज ऑन द ड्रम मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ इट कैन आल्सो रिड्यूस और मैग्नीफाई द साइज ऑफ द इमेज इसके जरिए जो इमेज है उसके साइज को कम या ज्यादा किया जा सकता है अ स्पेशल काइंड ऑफ द ड्राई इंक कॉल्ड द टोनर हेयर इट इज हीटेड प्रेशर रोलर्स विद सम हीटिंग अरेंजमेंट टू ड्राई द राइटिंग और एक्चुअली ये जब आप का पेज इसमें से पास करता है तो जो इसके ऊपर यहां पर से टोनर से इंक स्प्रे की गई थी वो इंक हीट होती है और उस पेपर के ऊपर हार्ड हो जाती है उसके बाद ये रिमूव नहीं होती स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, फोटो कॉपिंग मशीन की वर्किंग क्या है तो सबसे पहले मैं आपको ड्रम के बारे में बताता हूं कि मैंने कहा था कि ड्रम बेसिकली एल्यूमिनियम का बना हुआ है और एल्यूमिनियम ये अच्छा कंडक्टर है लाइट का एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर लेकिन उसके ऊपर सेलिनियम की एक लेयर या कोटिंग मौजूद है अब सेलिनियम फोटो कंडक्टर है इट मींस दैट सेलिनियम इज एन इंसुलेटर इन द डार्क एंड बिकम्स कंडक्टर व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन इट इन अदर वर्ड इट्स अ फोटो कंडक्टर अब यहाँ पर स्टूडेंट्स फोकस करें कि ये लाइट रेज आ रही हैं ये लाइट रेज जब लैंप से आती हैं तो आकर पेज के ऊपर फॉल करती हैं जहाँ से ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है और ये लाइट रेज आकर इस ड्रम के ऊपर फॉल करती है तो जिन एरियाज के ऊपर लाइट रेज आकर फॉल करती हैं वो एरियाज आप पढ़ चुके हैं जहां पर लाइट फॉल करने करेगी वो एरियाज बन जाते हैं यानी वो कंडक्टिंग पोर्शन और बाकी के जो एरियाज हैं वो एज इट इज इंसुलेटर रहते हैं यानी पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं अब जब लाइट यहां पर फॉल करती है तो यहां पर इमेज बन जाता है स्ट्रम के ऊपर वही इमेज नेक्स्ट पेज के ऊपर ट्रांसफर होता है लेकिन कैसे ट्रांसफर होता है हम स्टेप बाई स्टेप देखते हैं तो द ड्रम इज मेड पॉजिटिवली चार्ज कैन प्रोवाइड हैवी वोल्टेज और ट्रांसफर द दी वोल्टेज इट विल रिमेन पॉजिटिवली चार्ज इफ इट रिमेन इन द डार्क कि जब तक ये जो ड्रम है ये डार्कनेस में रहेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा लेकिन जिन एरियाज के ऊपर लाइट फॉल करती है वो एरियाज क्या बन जाते हैं कंडक्टिंग ठीक है Conducting, तो नेक्स्ट स्टेप देखें कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डॉक्यूमेंट इट इज रिफ्लेक्टेड पॉसेज थ्रू द लेंस एंड द फॉल्स ऑन द सिलियम द करिस्पॉन्डिंग डार्क एंड द ब्राइट एरियाज आर फॉर्म ऑन द ड्रम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पॉजिटिव चार्ज बट द लाइट एरिया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल्यूमिनियम पास थ्रू दिलीनियम एंड न्यूट्रेलाइज द पॉजिटिव चार्जेस तो स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि जिन एरियाज के ऊपर आकर लाइट फॉल करती है वो वो कंडक्टिंग बन जाते हैं और फिर एल्यूमिनियम से जो कि ड्रम है ड्रम एल्यूमिनियम का बना हुआ एल्यूमिनियम से पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और उन जो कंडक्टिंग रीजनस हैं, उनके अंदर आकर वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है अब मेटल्स के अंदर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो ऊपर सिलीनियम की ये जो लेयर है ये हमने इस सारे ड्रम को ऊपर पॉजिटिवली चार्ज किया है तो नीचे से इलेक्ट्रॉन्स उन कंडक्टिंग रीजन में आते हैं और वहां पर न्यूट्रेलाइज को कर देते हैं यानी जिन जगहों पे ये न्यूट्रलाइज़ हो चुका है वहां पर किसी किस्म का कोई इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर ये जो इमेज बना है अब ये इमेज इस पेज के ऊपर ट्रांसफर होता है देन अ पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिमेन्स ऑन दिलीनियम सर्फेस and then a special kind of ink from the toner that is the dry ink is spread on the drum where it sticks to the positively charged areas the toner from the drum is transferred on the highly positively charged areas and then transferred on the sheet of the paper the sheet of the paper then passes from the heating rollers ये जब हीटिंग रोलर से शीट पास करती है तो इसके ऊपर जो इंक टोनर से स्प्रे की जाती है वो हाई प्रेशर के अंडर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर हो जाती है और एक परमानेंट इमेज बन जाता है तो ये थी बच्चे जीरोग्राफी या फोटो कॉपी मशीन की वर्किंग अब हम पढ़ते हैं इंक जेट प्रिंटर एंड इंक जेट प्रिंटर इज अ प्रिंटर विच दैट places very small droplets of ink on the paper to make an image it uses electric charge in its operation it is also an application of the electrostatics so look at the principle a charred particle is deflected when passes through the uniform electric field between the two oppositely charged parallel plates keubique charged particle though parallel, Oppositely charged से पास करेगा तो वहां पर वो होगा ये इसका working principle है अब हम इसकी construction की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहां पर आप देखें कि ये हमारे पास एक pump है इंक pump, इसको हम प्रिंट हेड कहते हैं ठीक है और ये जो प्रिंट हेड है ये कनेक्टेड है एक इंक सप्लाई के साथ जो कि पंप के, के थ्रू इंक इसको सप्लाई की जाती है और इसके एंड पे एक नोजल है जिसके जरिए ये इंक को आगे प्रिंट हेड सप्लाई कर देता है उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं जब ये इंक इन चार्ज इलेक्ट्रोड से पास करती है तो ये इंक भी चार्ज हो जाती है तो इसके बाद आप अगर देखें तो ये हमारे पास पैराल प्लेट्स हैं जिनको हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी कहते हैं इसके बाद यहां पर आप देखें तो ये गटर है ये जो एक्सेस इंक है उसको कैच कर लेता है नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंक जेट प्रिंटर तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास फिगर है तो अब स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां पर इंक जेट प्रिंटर के जरिए इमेज बनता है तो सबसे पहले मेन चीज जो हमारे पास है वो है प्रिंट हेड प्रिंट हेड कैसे काम करता है इसको हमने देखना है कि ये हमारे पास इंक सप्लाई है और यहाँ से पंप इंक लेता है और इसको आगे की तरफ भेज देता है यहाँ पर ये पीजो क्रिस्टल मौजूद है जिसके जरिए ये सारा प्रिंट हेड काम करता है और ये प्रिंट हेड वो जो इंक आ रही थी सप्लाई उस समाल उस इंक को समॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आगे की तरफ ट्रांसफर कर देता है इंक जेट प्रिंटर talking इंक वेन शटलिंग हमारे पास मौजूद है चार्ज इलेक्ट्रोड्स. अब ये चार्ज इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं कि ये जो ड्रॉपलेट्स इसके अंदर इंटर हो रहे हैं ये उन ड्रॉपलेट्स को चार्ज पार्टिकल की तरह, तरह बना देते हैं The so, these small droplets become charged when passed through the charging electrodes. Charging electrodes are used to charge the droplets that are not needed on the paper. कि ये उन ड्रॉपलेट्स को चार्ज करते हैं जिनको पेपर के ऊपर नहीं भेजना यानी इनकी जरूरत नहीं है कि वो पेपर के ऊपर जाकर हिट करें और जो नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पर आप नेक्स्ट देखते हैं तो वो मौजूद है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ये आप देख रहे हैं इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर हाई वोल्टेज मौजूद है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है

और ये सारी कमांड्स बेसिकली बिहाइंड एक कंप्यूटर मौजूद है जिससे इसको दी जाती हैं चार्ज इलेक्ट्रोड्स को कि कौन से ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना है और कौन से ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करना ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के जरिए इसको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किन एरियाज के ऊपर प्रिंटिंग करनी है और किन पे नहीं करनी तो ये जो इंक यहाँ पर चार्ज होती है वो इंक यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास करने के बाद एक नेक्स्ट ये हमारे पास कैचर और यू कैन कॉल द गटर मौजूद है जिसकी तरफ ये इंक चली जाती है और जो अनचार्ड इंक है ये स्ट्रेट आगे की तरफ मूव करती है और यहाँ पर ये पेज मौजूद है इस पेज के ऊपर आकर फॉल करती है जिससे के इमेज बनता है हाउ टू प्लेस इंक ऑन दू प्लेस इंक ऑन दोल्ट इमेज बनता बनना होता है ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जो चार्ज इलेक्ट्रोड है ये यहाँ पर इनका कंट्रोल टर्न ऑफ हो जाता है और वो जो इंक है वो डायरेक्टली पास करती है और आकर स्ट्रेट पेज के ऊपर स्ट्राइक करती है जिसकी वजह से इमेज प्रोड्यूस होता है सो इट्स द आर्टिकल विच आर कंप्लीटेड